ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ये उस नफ़रत का नतीजा हैं जिस नफ़रत को मुसलसल फैलाया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना जो है वो कुछ लोग देश की सेवा समझ रहे हैं, उसको राष्ट्रवाद समझ रहे हैं। एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी अल्फाज का पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका इजहार करना, ये बताता है कि किस दर्जे तक नफ़रत को फैला दिया गया है। और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनका डर है, ये असल में वो डर रहे हैं कि इस तरीके का डर यही है कि सरकार की असलियत सामने ना आ जाए। सरकार को एक्सपोज करने वाले, जो सरकार की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकार जो साहस और हिम्मत के साथ अपनी बात कह रहे हैं, जो पत्रकार अभी डरे नहीं हैं और बिके नहीं हैं, अब उनको भी आप दबाने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब। अभी जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं, अभी हाल ही में सुंदर नगरी से जो मामला सामने आया, क्या किया जा रहा है जमात की तरफ से? देखिए, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ये उस नफ़रत का नतीजा हैं जिस नफ़रत को मुसलसल फैलाया जा रहा है और पूरे मंसूबे के साथ समाज में नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना जो है वो कुछ लोग देश की सेवा समझ रहे हैं, उसको राष्ट्रवाद समझ रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये इतना नीचे तक पहुंच गया है कि एक मंदिर में एक मुस्लिम बच्चा जो है वो प्रसाद के लिए चला जाता है, उसको लोग मार देते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं, उसकी मौत भी हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर, जयपुर में एक घटना हुई, वहाँ मालूम हुआ कि लड़का मुसलमान है तो उसको लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। इससे पहले वो गोरक्षा के नाम पर और क्या क्या कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये उस नफ़रत का नतीजा है। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक रास्ते पर इस मुल्क को ले जाने की कोशिश हो रही है और ये सरकार और राजनीति जिस रुख पर की जा रही है, मौजूदा जो सरकार है केंद्र में, उसकी तरफ से जिस तरह की नफ़रत और विभाजन की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए उसका ये नतीजा है। तो ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक है। संसद में जो बयानबाजी हुई, एक सांसद ने दूसरे सांसद के साथ जो किया, वो आपने कहा बीपीसी में कि वो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है, तो इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है या क्या लग रहा है कि कुछ कार्रवाई? देखिए, ये तो पार्लियामेंट में एक चीज़ हुई है, बहुत ख़तरनाक हुई है और हम इसको ये नहीं समझते कि एक आदमी ने किसी एक दूसरे एमपी ने दूसरे एमपी को गाली दी है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एमपी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और वो उसके जहन से एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी अल्फाज का पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका इजहार करना, ये बताता है कि किस दर्जे तक नफ़रत को फैला दिया गया है और लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। यानी नफ़रत के सहारे, गाली गलौज के सहारे एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो ये हमारी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट की जो गरिमा है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ कदम उठाएं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वक्त जातीय जनगणना का भी जो है मामला ज़्यादा सुर्खियों में है, जमीयत किस तरीके से देख रही है इसको, जो जमात है? जमात इस्लामी हिंद इस बात के का समर्थन करती है कि देश में जितने तबके यहाँ बसते हैं उनका हर जगह रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए और यही इंसाफ का तकाजा है। हम इसको जाति के तौर पर नहीं देखते बल्कि इंसाफ के तकाजे के तौर पर देखते हैं कि जो वर्ग जिस संख्या में रहते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे, डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन, असेंबली पार्लियामेंट में उनका पार्टिसिपेशन, ये उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। तो बिहार की सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है और एक सर्वे करके लोगों के सामने आंकड़े पेश किए हैं और बताया है कि 63% यहाँ OBC और अति पिछड़ा वर्ग के लोग मिलाकर 63% हैं और SC और ST, SC जो है 19% हैं, ST 1.6% हैं। तो ये इतनी बड़ी
आबादी जो है वो बैकवर्ड लोगों की है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट, असेंबली और दूसरी सर्विसेज में उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि पूरे देश में इस तरह का सर्वे हो और ये देखने की कोशिश की जाए कि कौन से वर्ग हैं, चाहे जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन जगह हर जगह उतना होना चाहिए उतना नहीं है। मसलन ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन पहले जितना होता था वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टियां जानबूझकर पूरे मंसूबे के साथ उनका रिप्रेजेंटेशन घटाने की बराबर कोशिश कर रही हैं। तो ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही कमज़ोर करने वाली चीज़ है और ये खतरे की बात है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए, तो क्या पसमानदा मुसलमानों को इससे जोड़ा जाएगा, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ये क्या कहते हैं, लेकिन ये जो डिवीज़न की राजनीति, जिनके जहनों में हमेशा डिवीज़न बैठा हुआ हो कि लोगों को बांटा जाए, बांट कर देखा जाए और लोगों में दूरियाँ पैदा की जाए, तो अब तो उनको इस तरीके से जातीय जनगणना होगी तो क्या लग नहीं रहा आपको कि इससे बंटवारा नहीं तो साफ नज़र आ रहा है बंटवारा नहीं होगा। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा बैकवर्ड में आता है, तकरीबन पूरा हिस्सा, यानी बहुत कम लोग होंगे जो वेल ऑफ हैं या जो पहले से उस लायक हैं कि जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 90-95% जो मुसलमान हैं वो ओबीसी या बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उसके मुताबिक उनको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो अगर वो खुद कहते हैं पसमानदा मुसलमान, अगर उनकी बात सही भी मान लें हम, तो कम से कम उन्हीं को हिस्सा दें वो, तो 95% मुसलमान तो पसमानदा ही हैं इस देश में, तो उनको हिस्सा दें। सिर्फ बातें करने, नारे लगाने और डिवीज़न से बात नहीं बनेगी। जो वाकई पसमानदा हैं, चाहे वो मुसलमान हों या दूसरे हों, पसमानदा पिछड़े को ही कहते हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और ख़ुद प्रधानमंत्री तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको तो कम से कम इसकी फिक्र करनी चाहिए कि कम से कम जो पिछड़े लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़े, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। लगातार कुछ पत्रकारों के घरों पर हम जो है ईडी की छापेमारी हो रही है, अभी जैसे अभिषार शर्मा की गिरफ्तारी हुई, उनको हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, किस तरह देख रहे हैं इस कार्यवाही को? ये असल में सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनका डर है, ये असल में वो डर रहे हैं कि किस तरीके का डर, यही है कि सरकार की असलियत सामने ना आ जाए, सरकार को एक्सपोज करने वाले, जो सरकार की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकार जो साहस और हिम्मत के साथ अपनी बात कह रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाए, जो पत्रकार अभी डरे नहीं हैं और बिके नहीं हैं अब उनको भी आप दबाने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक है। कोई कदम उठाया जा रहा है? हाँ, हम जो कुछ भी, हम तो एक सामाजिक संगठन हैं, तो हम अपने तौर पर जहाँ जो संभव है वो चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार को ये तरीका छोड़ना चाहिए और प्रेस और मीडिया के लोगों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें। अगर उनके अंदर कोई कमी नहीं है तो किस बात का डर है उनको, किस बात के सामने आने का डर है, प्रेस के ज़रिए से कौन सी चीज़ सामने आने से वो डर रहे हैं, लोगों को आज़ादी देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब बात करने के लिए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।